ओके सो आज हम लोग का लेक्चर 5 होने वाला है। टोटल आपका जो लिनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ लेक्चर है 6 लेक्चर है, मतलब आज सेकंड लास्ट लेक्चर है बेसिकली। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? यस सर, सेकेंडिंग नंबर नंबर ग्राफ नेचर ग्राफ्स नेचर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यस सर, ठीक है, तो उससे कंडीशन कंटिन्यूएशन में ही चलेगा आज का। तो आज बेसिकली जो होगा वो, मतलब बेसिकली इक्वेशन का जो पार्ट था वो हो गया है हम लोग का। आज होगा आपका इन इक्वेशन का, मतलब जो इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन एक होता है, दूसरा होता है इन इक्वेशन। तो आज देखेंगे लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन वाला जो पोर्शन, मतलब बेसिकली वो देखेंगे। ठीक है, तो आज 27th of June, यस सर, यस सर। तो आज का ऑब्जेक्ट क्या देख पा रहे हो? बेसिकली आज जो है बेसिकली इन इक्वेशन के ऊपर बात होगा, एंड लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब इन इक्वेशन में भी आपका वन वेरिएबल टू वेरिएबल हो सकता है, तो उसमें हम लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, यस तो सर, सबसे पहले जो आपका आता है बेसिकली, ठीक है ना, लीनियर इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन है क्या, मुझे ये समझना है। किसी को मालूम है? इक्वेशन का मतलब क्या था हम लोग के पास, कि आप मेरे पास जब लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड इक्वल इक्वेशन होगा। बताया। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों के बीच में इक्वल्स टू होना चाहिए, तभी बोल पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो ही इक्वल है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन। बीच में इक्वल इक्वालिटी साइन था, बीच में मुझे इक्वालिटी, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू जीरो, तो ये एक इक्वेशन बन सकता है, या तो एक्स इक्वल्स टू जीरो एक इक्वेशन बन सकता है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन इक्वेशन, मतलब दो साइड इक्वल नहीं होगा, होगी कोई कोई सा भी साइड या तो बड़ा या तो छोटा, या तो बड़ा और इक्वल या तो छोटा और इक्वल, मतलब दो साइड में क्या होगा, कोई बड़ा छोटा ऐसा कुछ हो जाएगा, दोनों साइड तो इक्वल नहीं हो सर, पाएगा, यस तभी हम बोल सर, पाएंगे कि हाँ ये क्या है, एक इनइक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन में मेरा दोनों ही साइड इक्वल थे। तो यस फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिकली बेसिक फंडा है कि हाँ दो साइड तो इक्वल नहीं हो पाएगा, चाहे कोई भी एक साइड बड़ा हो छोटा हो, बहुत सारा ऑप्शंस हो सकता है, बट इक्वल्स तो नहीं हो सकता। दो ही साइड इक्वल होगा तो उसमें और इक्वेशन में अंतर नहीं रहेगा, तो अंतर है इसीलिए दो साइड इक्वल नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रहा है? तो यस हम ऐसे सोच सकते हैं, देखो सर, इसमें इसमें वही चीज बोला है, इफ ए इज एनी रियल नंबर देन ए इज इधर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। कोई भी एक नंबर जो है वो क्या हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, या तो जीरो से छोटा हो सकता है, या तो जीरो से इक्वल हो सकता है। इन तीनों के यस भी अलावा का कोई और ऑप्शन है नहीं, राइट। तो सर, व्हेन, मतलब जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जीरो से बड़ा है, तो यस हम यस बोलेंगे कि सर, ए इज ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए ये वाला सिंबल को हम बोलते हैं ग्रेटर देन। एंड व्हेन ए इज नेगेटिव, मतलब जब ए का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे, ए लेस देन जीरो। तो सर, इस सिंबल को हम बोलेंगे क्या, लेस। लेस देन ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है व्हिच इज रीड यस एज ए इज लेस देन जीरो, एंड इफ ए इज जीरो देन वी कैन से ए इक्वल्स टू जीरो, जो कि एक इक्वालिटी वाला केस है। मतलब मुझे ये वाला केस नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये इक्वालिटी का केस बन जा रहा है, ए इक्वल्स टू जीरो, और इसमें ना है ना ही ए बड़ा है ना ही ये छोटा है, ए इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि ये एक इक्वालिटी वाला केस हो जा रहा है, दोनों ही साइड इक्वल। तो हम बोल सकते हैं ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल मैंने लिखा, ये बेसिकली साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज है। इक्वल्स टू को है हम साइंस ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही साइड को इक्वल कर दे रहा है, बट ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये एक साइड को छोटा तो दूसरा साइड को बड़ा बना रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये दो साइन को साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। बात समझ आया सबको?
इसके बाद आ रहा है, इन दोनों को छोड़ के भी और दो नोटेशन है जो कि साइंस ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर आता है। जो पहला वाला है वो ग्रेटर देन, जो कि इस सिंबल से लिखा जाता है, देन लेस देन, जो कि इस सिंबल से लिखा जाता है। ये वाला होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मतलब या तो बड़ा होगा या तो इक्वल हो जाएगा, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों ही होना है, कोई भी एक या तो बड़ा हो जाए या तो छोट या तो इक्वल हो जाए। तो ये वाला मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, मतलब या तो छोटा होगा या तो उससे इक्वल, नहीं बड़ा नहीं, छोटा या इक्वल, और ये बड़ा या इक्वल। आपको एक चीज समझना है, ये जो हमने सिंबल्स देख रहे हैं ना, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर इक्वल्स टू है, ये लेस इक्वल्स टू है, इसमें से आपको एक चीज समझना है, ये सिंबल का ये पॉइंटेड एरिया है ना, एक साइड पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड साइड उसी नंबर के साइड में रहेगा जो कि छोटा होगा। मैं अगर बोलूंगा कि 3 और 5, इसमें कौन सा वाला नंबर होगा? 5 5 5 5, मतलब बीच में कौन सा वाला सिंबल होगा इन इन चारों में से? लेस देन। मैंने क्या बोला, जो साइड जो नंबर छोटा होगा उसके साइड पे पॉइंटेड एरिया होगा, मतलब ये छोटा है तो बीच में ऐसा हो जाएगा क्योंकि 3 छोटा है। बात समझ आ रहा है मेरा? अगर मैं सेम चीज ऐसे बोलता कि 5 इधर देता और 3 इधर दे देता, तो आप देते बीच में ये वाला सिंबल, क्योंकि ये पॉइंटेड साइड उसी की साइड में रहेगा जिस साइड में छोटा नंबर है। जब ये बोल रहा है 5 3 से बड़ा है। Yes. समझ रहे हैं कि कैसे इसको यूज करना होगा? ये चारों नोटेशन आपको समझ आ गया? Yes, sir. तो बेसिकली ये चारों नोटेशन है, इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद डेफिनेशन आएगा। क्या बोल रहे हैं? फॉर एनी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स ए एंड बी, मतलब ए और बी नॉन जीरो है, मतलब ए और बी जीरो नहीं हो सकता है, बोल ही दिया है। फॉर एनी टू नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा, चाहे वो जीरो से बड़ा हो छोटा हो मतलब नहीं, बट जीरो तो नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? ए इज सेड टू बी ग्रेटर देन बी व्हेन ए माइनस बी इज पॉजिटिव। अब इस चीज को सोचो, मैं बोल रहा हूँ 5 3 से बड़ा है, तो 5 - 3 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव, क्योंकि 5 बड़ा है ना 3 से, तो 3 को मैं इस साइड ले आऊंगा तो 5 - 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। अब जब इनइक्वालिटी में जब ऑपरेशंस करेंगे हम, तब हमें इसको इक्वल टू दिमाग में रख के ही कर सकते हैं, सिवाय 2 3 जगह। जैसे कि मैं 5x = 3 रहता तो 3 को लेफ्ट साइड ला सकता था माइनस करके, मतलब 5x - 3 = 0। अगर ये वाला चीज ऐसा भी रहता ना कि 5x < 3, तो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, 5x - 3 > 0। इसको मैं इक्वल टू को जैसे ही ट्रीट कर सकता हूँ, बट 2 3 जगह ऐसा है जहाँ हम ट्रीट नहीं कर सकते, वो क्या होगा मैं बोलूंगा। बट अगर 3 3 को इधर लाऊंगा तो ये 5 - 3 > 0, मतलब सेम तरीके से अगर बोलूंगा कि a > b है, तो मैं बोल पाऊंगा a - b > 0, राइट? यस सर। सेम तरीके से अगर बोलूंगा कि a < b हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, a - b मेरा < 0 होगा, जो कि इसमें बोला है a is said to be < b when a - b is negative। अब a - b 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव ही ना होगा, तो यही इसमें बोल दिया गया कि a < b मतलब a - b < 0, a > b मतलब a - b > 0। बात समझ आया? यस सर। ठीक है, देख लो, अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। नो सर। इसमें क्या बोल रहे हैं? फॉर एनी टू रियल नंबर a एंड b, क्या बोल रहे हैं?
या तो ए जो ए और बी में, अच्छा दो रियल नंबर है तो इन दोनों में से क्या रिलेशन हो सकता है? दो में से कोई एक बड़ा, मतलब या तो ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, या तो ए छोटा बी बड़ा, या तो ए बी दोनों ही छोटा छोटा बराबर होगा, इक्वल होगा। ए से बी बड़ा हो सकता है, ए से बी छोटा हो सकता है, और ये तो दोनों इक्वल। इन दोनों, इन तीनों के बीच और कोई और रिलेशन हो सकता है इन तीनों के अलावा? नो ही होगा। मैं दो नंबर ले रहा हूँ, या तो इक्वल होगा दो नंबर, या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा, या दूसरा नंबर पहले से बड़ा, और या तो इक्वल। इसको जो बोलते हैं, इसको, इस प्रॉपर्टी का एक नाम है, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ठीक है, इस चीज को आप जस्ट याद रखो कि हाँ ये चीज होता ही है, या तो बड़ा या तो इक्वल। अब बड़ा जब होगा कोई एक बड़ा होगा, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, तो थोड़ा तीनों रिलेशन बन सकता है। ठीक है, जो पहला वाला है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो इसको मैं घुमा के लिख सकता हूँ कि ए अगर बी से बड़ा है मतलब बी ए से छोटा है। हाँ, लेसर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ देर पहले बोला कि 5 ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 लेस देन 5 भी हो सकता है। बात तो सेम ही है भाई। ठीक है, सर, दूसरा क्या है कि यस अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो ए ग्रेटर देन सी बनेगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कैसे बोल सकते हैं? देखो, मान लो कि 5 ग्रेटर देन 3 है और मैं बोल रहा हूँ 3 ग्रेटर देन 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ ना 5 2 से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 5 3 से यस बड़ा हो रहा है और 3 कोई और नंबर से बड़ा है, तो 5 डेफिनेटली वो छोटा ना, उस नंबर से तो छोटा बड़ा ही होगा ना, क्योंकि वो नंबर 3 से तो छोटा ही हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 5 ग्रेटर देन 2 तो डेफिनेटली ही होगा। तो यही वाला इसमें बोला है कि अगर ए बी से बड़ा होगा और बी अगर सी से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है ए सी से भी बड़ा होगा। ठीक, यस इसके बाद अगर कोई इनइक्वालिटी है, मान लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, अब इस इनइक्वालिटी के बोथ साइड अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी आपका क्या रहेगा? सेम रहता है। क्या बोला मैंने? क्वालिटी सर, अगर आप मतलब एक भी सर, हम किसी एक संख्या में कुछ प्लस करते हैं तो वो जो है हाँ उससे बेटा बड़ा ही बोलो, रहता है। सर, फिर से बोलो बेटा। किस नंबर में कुछ एक सेम नंबर प्लस करेंगे, जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे हम सोच सकते हैं। तो बोथ साइड कुछ भी ऐड कर दो, जैसे कि अगर मैं बोलूं 5 ग्रेटर देन 3 है, मैं बोथ साइड 3 ऐड कर रहा हूं, तो आप ऐड करो भाई 5 प्लस 3 और ग्रेटर देन 3 प्लस 3, तो ये बन जाएगा मेरा 8 ग्रेटर देन 6। बात तो सेम ही हुआ ना, पहले भी बड़ा था इसमें भी बड़ा है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको अलग से स्टार कर दे रहा हूं। फिर बोल रहा है कि अगर इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0, देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। मतलब अगर आप दो ना, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, अब बोथ साइड अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट मेक श्योर कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 से बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। बट इसमें अच्छे से समझो आप कि 0 से बड़ा होने के लिए क्यों हो रहा है, छोटे के लिए क्यों नहीं। 5 ग्रेटर देन 3 है, मान लो दोनों साइड आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 10 ग्रेटर देन 6 हो जाएगा ना। बट अगर आप नेगेटिव मतलब 0 से छोटा कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, तो ये रिजल्ट घूम जाएगा। मान लो आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये -5 और ये -3 बन जाएगा ना, तो ये ग्रेटर देन था बट इस बार ये लेस देन हो जाएगा, क्योंकि -5 -3 से छोटा है। अगर आप नंबर लाइन में बैठा होगे तो देखो ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, तो आपका -3 जो है -5 से बड़ा हो जा रहा है। तो आपको क्या याद रखना होगा कि अभी जब भी कोई इनइक्वालिटी है, बोथ साइड में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और वो नंबर अगर 0 से बड़ा है जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म मतलब प्रॉपर्टी है, समझ आया? और अगर ये होगा, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, जो कि इसके बाद में है कि ए ग्रेटर देन बी और सी अगर लेस देन 0 है, जो कि दूसरा वाला केस नेगेटिव अगर हो जा रहा है, तो देखो ए ग्रेटर देन बी और ए वो मल्टीप्लाई करने से ए सी लेस देन बी सी हो जा रहा है, मतलब घूम जा रहा है। और इसका रीजन भी मैंने दिखा दिया क्यों ऐसा हो रहा था। आया बात समझ में? यस सर, यस सर, सेम तरीके से ये यस सर, वाला, यस
इसके बाद वाला जो है एडिशन का है कि ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है, तो अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी होगा, ये इजी बात है। अब मान लो 5 ग्रेटर देन 3 है और 2 ग्रेटर देन 1 है, अब दोनों को ऐड कर दो तो 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4, तो इन ये दोनों का एडिशन इन दोनों का एडिशन से बड़ा ही होगा, जो कि आपका ये वाला प्रॉपर्टी बोल रहा है। ये अब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, नॉर्मल सा एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी टाइप से तरह से ऐड कर लो दोनों नंबर के दोनों साइड में, ये आपका जो ग्रेटर देन और जो लेस देन जो भी रहेगा साइन हो इंटैक्ट रहता है, साइन चेंज नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन पे समझ गए। इसके बाद देखते थे द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो जाहिर सी बात है, स्क्वायर कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। आप नेगेटिव भी वैल्यू लोगे उसका स्क्वायर आपका पॉजिटिव भी हो जाएगा, आप बोलोगे -2 इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा, मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर सबसे छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि अगर आप 0 लोगे तो इसका स्क्वायर आपको 0 मिलेगा। बाकी आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, आप -5 ले लो, -3 ले लो, कुछ भी ले लो, उसका स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होता है, सॉरी सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होता है 0, 0 से छोटा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई सबसे छोटा मेरा जो स्क्वायर नंबर है वो -5 है, माइनस में जाएगा ही नहीं स्क्वायर, ठीक है? यस सर, यस सर। इसके बाद क्या है, मैंने बोला कि जब नेगेटिव आ जाता है तब सिंबल चेंज हो जाता है, जैसे कि 5 ग्रेटर देन 3 बोल रहा था ना, बोथ साइड ना मैं क्या कर रहा हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ 5 ग्रेटर देन 0 है, बोथ साइड मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से, तो ये बन जाएगा मेरा -5 और 0 × -1 तो 0 ही रहेगा, बट ये जो सिंबल है ना ये घूम जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने से अभी अभी मैंने बोला कि कोई भी नंबर ऐसे कि जो नेगेटिव है, जैसे कि सी सी जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लेस देन 0 है, तो इस केस में आपका जो इनइक्वालिटी है घूम जाता है। सेम चीज इधर भी हो रहा है, ए ग्रेटर देन 0, बोथ साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए लेस देन 0 हो जाएगा। सेम थिंग ऑल्सो फॉर दिस, ए ग्रेटर देन बी है, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस ए माइनस बी के बीच में ये ग्रेटर देन था बट ये चेंज होकर लेस देन हो जा रहा है। आया बात समझ में? ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है? ये हम जब सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज तब बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। और इसके बाद जो लास्ट वाला है ये डिविजन वाला, आप थोड़ा समझ लो कि ए और बी दोनों ही पॉजिटिव नंबर है बट ए ग्रेटर देन बी है तो 1/2 करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 3 है, अगर इसको 1/2 कर दूंगा इसको भी 1/2 कर दूंगा तो ये बड़ा था और ये बड़ा था, मतलब इससे बड़ा था, बट अगर छोटा मतलब रिसिप्रोकल कर देंगे ना ये वाला ऐसा हो जाता है, क्योंकि 1/5 और 1/3 का वैल्यू आप निकाल के देखो अलग आ जाएगा, 1/5 का वैल्यू 0.2 आता है और 1/3 का वैल्यू आपका 0.33 आता है, तो इन दोनों में से आपका ये वाला बड़ा हो जा रहा है, तो अगर आप रिसिप्रोकल कर दे रहे हो तो इस केस में भी आपका जो इनइक्वालिटी रहेगा वो साइन चेंज होता है। आया बात समझ में? इसके बाद क्या है, ए बी अगर नेगेटिव नंबर है तो अगर ए ग्रेटर देन बी करेंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव जो भी होगा भाई, इस केस में अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर हम चेंज कर रहे हैं ना मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगा ही होगा, ठीक है? एंड लास्ट वाला ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर लेस देन 0 तो ए 1/ ए ग्रेटर देन 1/ ए, भी जाहिर सी बात है ए बी से ए अगर पॉजिटिव है और बी अगर नेगेटिव है तो 1/ ए आपका 1/ बी से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, आप 1/ ए भी करोगे तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा और बी अगर नेगेटिव है तो 1/ बी करोगे तब भी ये नेगेटिव ही रहेगा, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ा ही होगा। तो थोड़ा आपको दिमाग मतलब थोड़ा खुला रखना है इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम, ऐसे इक्वलिटी जैसा नहीं है कि हाँ इस साइड उस साइड कर दो बन जाएगा, थोड़ा आपको दिमाग चला के बनाना, ठीक है? यस यस सर। तो हम लोग के पास टोटल चारों सिंबल्स हैं, जो कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों को लेके हमें डील करना पड़ेगा इन इक्वेशन, ठीक है? बात समझ आया? यस यस सर।
अब जो आ रहा है आपका कंटिन्यूड इनइक्वेशन, बोल क्या रहा है, टू इनइक्वेशन ऑफ द सेम टाइप बोथ कंसिस्टिंग ग्रेटर देन या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और बोथ कंसिस्टिंग लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ये दो सेम टाइप हो जा रहा है, ग्रेटर देन या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दूसरा लेस देन या तो लेस देन इक्वल्स टू, अगर ये दोनों में रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ ये कंटिन्यूड इक्वेशन, जैसे कि ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, बोल सकते हैं ए लेस देन बी लेस देन सी, ये कंटिन्यूड फॉर्म में जा रहा है, मतलब दोनों को एक साथ लिख पा रहा हूँ, इस तरीके से ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी और बी ग्रेटर देन सी, तो मैं बोल सकता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी, ये बहुत कुछ अलग नहीं है, मतलब दोनों को मर्ज करके दो अलग-अलग इनइक्वालिटीज को मैं एक साथ लिख पा रहा हूं, तो ये कंटिन्यू में चल रहा है, कंटिन्यू मतलब एक में चल रहा है, एक साथ चल रहा है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूड इनइक्वेशन। ये इक्वेशन में भी हो सकता था कि अगर ए इक्वल्स टू बी बोल दे रहे और बी इक्वल्स टू सी बोल दे रहे तो बोलूंगा सर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इक्वेशन में भी होता है वही चीज, इन इक्वेशन में भी ठीक है, इसको बोलेंगे कंटिन्यूड इक्वेशन और ये कंटिन्यूड इन इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो सिंबल्स है ये इनइक्वालिटी वाला साइन है। अब इसके बाद देखते हैं क्या बोल रखा है, लिनियर इन इक्वेशन, एन इक्वेशन इन व्हिच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल present is one is called a linear equation, मतलब वही linear equation में क्या होता था आपका maximum x plus 3 equals to 0, मतलब जो maximum degree होता था one होता था, हाँ या ना, जो maximum variable रहेगा उसका जो power रहेगा degree वो highest degree one रहेगा, इसी को बोलेंगे linear equation, हाँ या ना, yes sir। चलो कुछ solve करके देख, जो कि वन वेरिएबल में है, नंबर वन जो है 5x minus 3 less equals to 12, और x जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब कौन बोलेगा मुझे, सर जो वन से, जो वन से स्टार्ट होता है, हाँ तो ये वाला सॉल्व करते हैं, 5x minus 3 less equals to 12 है, तो ये क्या आ जाएगा 5x less equals to 3 को इस साइड, तो 12 plus 3, तो 5x less equals to 15 है, तो x less equals to 15 by 5 है, तो x less equals to आपका 3 है, तो यही आपका बन जाएगा, तो x अगर less equals to 3 है तो x का कौन कौन वैल्यू हो सकता है, इसमें बोला है कि x का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, तो कौन कौन नेचुरल नंबर है जो कि 3 से छोटा, 1 2 एंड 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या बोला है लेस देन भी चलेगा और आप करो दूसरा वाला, बट इसमें एक चीज याद रखना, आपके इसमें बोल दिया गया है रियल नंबर, ठीक है, बना के बोलो, सर हो गया, ठीक है, कितना आया है सर, एक्स का वैल्यू 1 2 3, अच्छा यही प्रॉब्लम हो जा रहा है, अगर आप इसका ना ऐसे वैल्यू लिख ही नहीं पाओगे, आपको इनइक्वालिटी में लिखना है इसका आंसर, क्यों मैं समझाता हूँ, देखो 2x minus 4 less than 4 है, तो आप बोलोगे 2x minus 4 को इस साइड लाएंगे तो सर 4 plus 4 हो जाएगा, तो ये 2x less than 8 हो जाएगा, तो x less than मेरा 8 by 2 होगा, मतलब x less than 4 हो जाएगा, अब 4 से छोटा कौन कौन नंबर है जो कि रियल नंबर है, सारे नंबर्स आ जाएंगे भाई, 1 2 4 से छोटा मतलब 1 2 3 3 3.5 3.99 3.58,
आप बोलोगे माइनस का फाइव माइनस का एट, मतलब अगर अब मैं नंबर लाइन में लिखू ना इसको, तो ऐसे हो सकता है, देखो ये फोर अगर इधर रहेगा तो ये फोर के ऐसे दिखाना होता है, फोर के लेफ्ट में, मतलब ऐसे फोर के लेफ्ट में सारा नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये रियल नंबर बोला है। अगर आपको नेचुरल नंबर बोल देता तो आप बोल पाते कि सर वन आएगा, टू आएगा और थ्री आएगा, बट आपको रियल नंबर बोला है, मतलब फोर से छोटा कोई भी नंबर चलेगा, कोई भी नंबर। आया बात समझ में? यस सर। बात वाला करते हैं, क्या आएगा ये 3x माइनस 1 लेस इक्वल्स टू 5, इसीलिए ये देखना जरूरी है कि x दिया क्या गया है। ये क्या आएगा 3x, 5 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस, तो ये आपका 3x ग्रेटर इक्वल्स टू 6 और x ग्रेटर इक्वल्स टू आपका 2, मतलब x का वैल्यू या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा। टू से बड़ा इंटीजर क्या है, जेड का मतलब इंटीजर, मतलब इसमें पॉइंट वैल्यूज नहीं आएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स इक्वल्स टू, टू से स्टार्ट होगा क्योंकि इक्वल्स टू भी है इसमें, तो मैं बोलूंगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ऐसे करते करते कंटिन्यू चला जाएगा, बट स्टार्ट जो होगा वो ना टू से होगा और इसमें कोई पॉइंट वैल्यूज नहीं आएंगे, इसीलिए इस केस में आपको x का वैल्यू ऐसे लिखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4 से वैल्यू 4 से कम, आप कोई बोल देगा सर 3.99 है, कोई बोल देगा सर 3.09 है, कोई बोल देगा 3.1 है, तो आप ऐसे कितना वैल्यूज लिखोगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है लिखना, तो आप या तो ग्राफ फॉर्म में दिखा दो या तो इनइक्वालिटी फॉर्म में ही इसका आंसर छोड़ दो, दोनों में से कोई भी चलेगा। आया बात समझ में? चलो ये क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इक्वेशन इन नंबर लाइन। अब देखो इन इक्वेशन में नंबर लाइन में कैसे हम दिखाएंगे, ये मेरा नंबर लाइन है और ये मेरा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -। अब देखो पहला वाला क्या बोल रहा है आपको कि x का वैल्यू माइनस टू से बड़ा या इक्वल, तो माइनस टू कहाँ है, ये है माइनस टू, तो माइनस टू से बड़ा मतलब माइनस टू के राइट में जाएगा और इक्वल, तो बड़ा या इक्वल को ना ऐसे लिखते हैं, मतलब अगर इक्वालिटी साइन है तो ऐसे लिखते हैं, मतलब ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट वाला यूज करते हैं, और अगर आपका ग्रेटर देन या लेस देन रहेगा तो आपको ये वाला ऐसे यूज करना होता है फर्स्ट ब्रैकेट। तो देखो आप ये माइनस टू से बड़ा या तो इक्वल, मतलब आप ऐसे इधर बैठा दो और ये राइट हैंड साइड को ऐसे डिनोट कर दो, क्योंकि माइनस टू से बड़ा या इक्वल। आया बात समझ में? माइनस टू के लेफ्ट में नहीं जा सकता है, माइनस टू से स्टार्ट होके उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस 2.1, माइनस 2.3, कोई भी, तो ये रहेगा आपका ए का। सेम तरीके से दूसरा वाला करें तो ये आपका 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, क्या बोला है 3 से छोटा या इक्वल, तो 3 कहाँ है भाई, ये है मेरा 3, तो 3 से छोटा या इक्वल, अब इसमें कौन सिंबल है, ये सिंबल, छोटा या बड़ा दोनों के लिए ही, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स दोनों के लिए ये ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल्स टू वाला आएगा तो ये वाला ब्रैकेट चला आता है, और अगर सेल्फ ग्रेटर इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन तो फास्ट ब्रैकेट आएगा, तो आपको 3 में क्या बैठाना है, ये वाला ऐसे लेफ्ट हैंड साइड करके बैठाना है, क्योंकि ये 3 से छोटा या तो इक्वल, तो 3 से छोटा या तो इक्वल मतलब लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में 3 के लेफ्ट में जो भी वैल्यू हो। आया बात समझ में? यस सर। बस यही तो दिखाना था, इसके बाद देखते हैं। अच्छा इसके बाद तू ही जा रहा है, चलो ये वाला आप लोग ट्राई करो। Thank you.
तो किसी का नहीं हुआ ये वाला, क्या बोल रहा है कि अगर x a से बड़ा होगा और b से बड़ा होगा देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसको नंबर लाइन में बैठा हूं, अच्छे समझना, ये मेरा जीरो है मान लेते हैं, और इसमें से कहीं आपका a है कहीं आपका बी। अब पहला वाला क्या बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब ए जो है ए से बड़ा वाला होगा ये, मतलब ए के साइड राइट में। दूसरा बोल रहा है एक्स बी से भी बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ बी से बड़ा मतलब इसको दूसरा कलर से ये वाला से लिखते हैं, मतलब इससे भी बड़ा है। अब बोलो ये दोनों में से कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला स्टार्ट हो जा रहा है आपका इधर से, ये वाला जो स्टार्ट हो रहा है इधर से, दूसरा वाला आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसमें दोनों ही आ रहा है ना। यस yes. मतलब ए yes. से बड़ा वाला पोर्शन भी आ रहा है, बी से बड़ा वाला भी पोर्शन आ रहा है, मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन बी आएगा। मतलब दोनों में कॉमन वाला पोर्शन लेना होता है, जब दोनों ही इक्वेशन दिया जाता है तब दोनों का कॉमन पोर्शन दिया जाता है, मतलब दोनों में से ऐसा जो, क्योंकि ये वाला क्यों नहीं लिया मैंने, देखो ये वाला में सिर्फ ये था अकेला ये था, इसमें बी नहीं था, बट इसमें ए भी है, इसमें ए भी है साथ साथ बी भी है, इसीलिए एक्स ग्रेटर देन बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आया? यस यस ठीक है, यस 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 यस। ये वाला ट्राई करो, सर ऑप्शन डी आर करेक्ट। आप बोल रहे हो डी, चलो करके देखते हैं। डी वन लेस इक्वल्स टू टू एक्स प्लस एट लेस इक्वल्स टू इलेवन। पहले इस एट को दोनों ही साइड ले जाएंगे, मतलब इस एट को इस साइड भी लेंगे इस साइड भी लेंगे, कोई भी साइड लोगे तो ये माइनस होके आ जाएगा, तो ये वन माइनस एट लेस देन टू एक्स लेस देन इलेवन माइनस एट।
क्योंकि दो इनइक्वालिटी है ना, तो एक साथ दोनों करना पड़ रहा है, इस वाला भी इस वाला। तो ये माइनस सेवन लेस इक्वल्स टू टू एक्स लेस इक्वल्स टू थ्री। आया बात समझ में? टू से डिवाइड कर दोगे तो ये माइनस सेवन बाई टू लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू थ्री बाई। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव और इंटीजर है मतलब पॉइंट वैल्यूज नहीं लेंगे, तो इसका वैल्यू है माइनस 3.5 ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू ये है 1.5। अब आप ही बोलो 3.5 से बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है? 1.5 आपका इंटीजर है? नहीं है। मुझे इंटीजर भी लेना है तो इसको थोड़ा ना मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन में बिठाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देखो ये आपका जीरो है, ये आपका वन है माइनस, ये आपका माइनस टू, ये माइनस थ्री, और ये अगर माइनस फोर है तो आपके बीच में है क्या? माइनस 3.5 आपका यहाँ है, और पॉजिटिव तो ये सब है वन टू थ्री, और 1.5 आपका इधर आ रहा है। तो आप ही बोलो 3.5 से बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कौन सा है? और इंटीजर भी होना चाहिए। देखो माइनस थ्री आएगा, माइनस टू और माइनस वन, और जीरो नहीं आएगा। जीरो अलग इंटीजर होता है, जीरो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है? यस सर, यस सर। तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। तो एक्स हो जाएगा आपका माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन। आया समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। चलो ये वाला बनाओ। सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी बोल रहे हो राइट? चलो बना के देखते हैं। 5x plus 4 greater equals to x plus 12. तो ये 5x minus 6 greater equals to 12 minus 4. 4x greater equals to आपका 8. And x greater equals to आपका 8 by 4. तो equals to 2 मतलब x greater equals to 2. तो ऑप्शन सी ही गिव्स राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक इसके बाद होमवर्क। चलो होमवर्क क्वेश्चन भी बना ही लो, थोड़ा टाइम है तो इधर ही बना लो, बनाओ इसको। सर हो गया। कितना है बेटा? सर ए ऑप्शन। सर ऑप्शन ए। क्या बोल रहा है? 2x minus 3 less equals to 5x plus 9. तो ये कितना आएगा? 2x को इस साइड लेंगे और 9 को इस साइड, तो minus 9 minus 3 less equals to 5x minus 2x. तो minus आपका 12 less equals to 3x. तो minus 4 less equals to x. मतलब x का वैल्यू greater equals to minus 4. ऑप्शन राइट। ठीक, यस 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 सर। चलो ये वाला बनाओ।
Sir, option A is correct. Sir, option A. Four. Option A. Four. Option A. क्या बोल रहा है? Option A. 2x plus 3 less equals to 7. 3 minus 3 less equals to 2x less equals to 7 minus 3. तो ये माइनस टू और ये टू एक्स और लेस इक्वल्स टू फोर, तो ये माइनस वन लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू टू, मतलब टू से बड़ा क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी वैल्यूज कैन इट टेक टू से, और ये क्या बोला, इंटीजर बोला, मतलब माइनस वन से बड़ा होगा और इक्वल, और टू से छोटा या इक्वल, तो मतलब माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, वन आएगा और टू आएगा, एग्जैक्टली exactly, बहुत अच्छा, चारों वैल्यूज आएगा, ठीक. Yes, चलो yes, ये वाला बनाओ. इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा कौन कौन वैल्यू है एक्स का जो कि इंटीजर आएगा, वो उसको बोलेंगे इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर्स आएंगे. अब कॉमन बोल रहे हैं, तो अब देखो एक्स से बड़ा, एक्स माइनस फाइव से बड़ा है तो क्या हो सकता है पहले वाले से, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, उसके बाद क्या होगा, माइनस वन, फिर जीरो, वन, टू एंड सो ऑन, और दूसरे वाले से क्या आ जा रहा है, फाइव से छोटा कितना हो सकता है, फोर आएगा, थ्री आएगा, टू आएगा, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड सो ऑन. आप देखो कॉमन माइनस फोर आ रहा है, माइनस थ्री आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, जीरो, जीरो आ रहा है, वन, हाँ वन भी आ रहा है, टू, टू भी आ रहा है, इसके बाद इसमें थ्री भी तो आएगा ना, फोर भी आएगा, yes, थ्री, yes, इसके yes, बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि फोर के बाद इधर फाइव आएगा, बट इसका इधर स्टार्टिंग ही फोर से हो रहा है, तो कॉमन इंटीग्रल कितना आ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, तो ये नाइन, बात समझ आ रहा है. इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे कि x का वैल्यू मेरा माइनस फाइव से बड़ा है और फाइव से छोटा है, तो इधर से फिट आपका आ जाता कि x का वैल्यू सिर्फ क्या होता सर, आप बोलोगे सर माइनस फोर, माइनस माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है, यस सर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, इसमें भी नाइन वैल्यू जा रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं. तो ये अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है. देखो हम लोग का ये भी सॉल्यूशन हो गया, मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा. ठीक है, फिर आप कंक्लूड कर देते हैं क्लास को. आज का क्या देखा हमने, आज बेसिकली इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो प्रॉपर्टीज है, मतलब हम इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसको कैसे यूज करेंगे, इक्वालिटी को कब चेंज होगा कब नहीं, ये सब हम यूज कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया, कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ता है. इनइक्वालिटी तभी चेंज होता है जब आप माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो या तो उसको रेसिप्रोकल कर दे रहे हो, इन दोनों केस में आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. दो ही केस, या तो आप बोल देगो फाइव ग्रेटर देन थ्री, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस हो जा रहा है, इस केस में चेंज हो जा रहा है. दूसरा केस क्या है, अगर रेसिप्रोकल कर दे रहे हो, बाकी कोई भी केस में चेंजेस नहीं होता है. अब बाकी ऐड करो बोथ साइड या मल्टीप्लाई करो जीरो से बड़ा कोई नंबर से, फिर भी चेंज नहीं होगा. मतलब मैं बोल रहा हूँ फाइव ग्रेटर देन थ्री तो ये टेन ग्रेटर देन सिक्स भी होगा तो भी चलेगा. आया बात समझ में? यस सर, यस सर, यही तो था आज का सेशन. यस सर, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आज का सेशन कम्प्लीट हो गया.